स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें कि आज एक बहुत ही बड़ी खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हाइब्रिड आतंकवाद के होश ठिकाने लगा दिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान आतंकवादियों के होश ठिकाने लगाने का काम किया है, किस तरह सुरक्षा बलों ने चुन चुन कर एक एक इंसान को ठोका है, मैं आपको बता दूं। और साथ में आपको ये भी इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरह हमारे भारतीय सेना ने 72 हूरों के दर्शन करा दिए हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों को। अगर आपको भी लगता है कि भारतीय सेना की इस कदम से हमारे देश और समाज में एक बड़ा विकसित जो समाज चल रहा है, जिसमें पूरी तरह से युवाओं को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, सख्त रोक होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले, अपनी प्रतिक्रिया देना और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हाइब्रिड आतंकवाद का नाम सामने आ रहा था, इस तरह की घटना जब से सामने आ रही थी, सेनाओं के द्वारा ये एक्शन लेना बहुत ही जरूरी था। और आपको ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये हाइब्रिड आतंकवाद होता क्या है, आखिरकार पाकिस्तान इसके पीछे इसको बढ़ावा क्यों दे रहा है इतना ज्यादा। और मेरा ये सवाल है उन लोगों से जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं कि क्या इन्हें शर्म नहीं आती है, एक 19 या 20 साल का युवा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कहीं का भी हो, उसे इस तरह से बरगलाना जिसे ना जाति की नॉलेज है, ना जिसे धर्म के बारे में पता है, ना जिसे चीजों के बारे में पता है, उसे किस तरह से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, अपनी बातों में फंसाते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया और अलग अलग जरियों से किस तरह से हाइब्रिड आतंकवाद पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने भी ये बात ठान ली है कि इनको चुन चुन कर निकाला जाएगा। और किस तरह से ठोका गया मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि युवा आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिस तरह उन्हें शिक्षित किया जा रहा है, किस तरह से ये एक पूरा गुट चल रहा है, किस तरह से भारतीय मुसलमानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाता है, किस तरह इन्हें बरगलाया जाता है, और फिर पाकिस्तान से जोड़कर जो हाइब्रिड नाम का एक शब्द आ रहा है जिसमें सामने तो नहीं आते हैं, और ये सब खेला अगर मैं आपको बता दूं तो पर्दे के पीछे से ये खोला होता है। और ये एक चुनौती बन चुका है अब कश्मीर के पुलिस सुरक्षा बलों के लिए और पूरे देश के लिए, उन माँ बाप के लिए जिनके नौजवान बच्चे उनसे खो जा रहे हैं, जो जिहाद और इस तरह की बातें करना शुरू कर चुके हैं, उन पे क्या बीतती होगी आप ये सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं भारतीय सेना ने इस बार बड़ा एक्शन लिया है, इस बार बड़ा खुलासा इस चीज को देख लेके हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू पुलिस के जो प्रमुख हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने भी इसको लेके बड़ा बयान दिया है, उन्होंने इस बात की खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं का चेहरा विहीन आतंकवाद, जिसे हाइब्रिड आतंकवाद कहते हैं, जिस तरह से उन्हें शिक्षित किया जा रहा है कश्मीर में, ये एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है। साथ ही में उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सशस्त्र बल ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमारी सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है कि किस तरह से इनसे बदला लिया जाएगा। और आपको बता दें कि पाकिस्तान एजेंसियों की योजनाओं को पूरी तरह से हमारी सुरक्षा बलें विफल कर देंगी। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी एजेंसियों का भांडा पूरी तरह से फूट चुका है, उनकी मंशा अब पूरी नहीं होगी, भारत में तो बिल्कुल ही नहीं पूरी होगी। मैं आपको बता दूं कि सिंह ने कहा कि जो कोई भी इस आतंकवाद का हिस्सा बनता है वह लंबे समय तक अज्ञात या गुमनाम नहीं रह सकता है, चुप नहीं रख सकता है, क्योंकि जब भी अभी हमने PFI की बात अगर मैं करूं, जिस तरह से PFI का नाम सामने आया है, जिस तरह से बिहार में आतंकवादी पकड़े गए, जिस तरह से प्रयागराज में किस तरह से युवाओं को एक किस तरह से अलग अलग जगहों से बच्चों को ले जाकर जिहाद सिखाया जा रहा है, उनका नाम मदरसे में लिखाया जा रहा है, कुरान पढ़ना सिखाया जा रहा है, तो ये क्या है आखिरकार, सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे, कब तक आखिरकार हम और आप इस चीज को चुप रह के देखेंगे और इस पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। इसी बात पे सिंह ने यह बात कही है कि अब इनको ढूंढ कर निकाला जाएगा और फिर इन्हें 72 हूरों के दर्शन करा दिए जाएंगे और दंड भी दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा इस बार किसी को। उन्होंने कहा कि चेहरा विहीन आतंकवाद, जिसे हम हाइब्रिड आतंकवाद कहते हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसियों और उनके आकाओं के द्वारा चलाया जाता है, उनके दिशा निर्देश पर जिस तरह से भोले भाले नागरिकों को, जिनका कोई कसूर नहीं है, जो किसी भी चीज़ में इंक्लूडेड नहीं है, उनको भी मारने के लिए आविष्कार किया जाता है, इसी नाम को हाइब्रिड
आतंकवाद कहा जाता है एक नया रणनीतिक कदम है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आतंकवाद चाहते हैं कि जो पाप किया जाए लेकिन पापी का पर्दाफाश ना हो, पाप वो करते चले जाए एक एक करने के बाद लेकिन आईने के सामने तस्वीर ना आए, सब कुछ पर्दे के पीछे से होते चला जाए, तो अब ऐसा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज की चीज़ें सामने आ रही, जिस तरह से PFI में नाम सामने आया, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से ऐसी बातें खुल के सामने आ रही हैं, सेना भी अब बड़ा एक्शन लेगा। अच्छी बात ये है कि पापी के लिए गुमनाम रहना या पहचान छुपाने के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, सुरक्षा बलों ने इस तरह की चीज़ें निकाल दी गई है कि जो भी सामने आएगा उसको ढेर कर दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो पापी इस फेसलेस आतंकवाद और भूमिगत मॉड्यूल का हिस्सा बन गए थे या बन गए हैं, वो भी सुरक्षित हो जाएं, वो भी इस चीज़ को छोड़ दें, वरना बेगुनाहों की हत्या करने वालों को और बेगुनाहों की हत्या में शामिल लोगों को सख्ती से निपटा जाएगा, उन पे पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और कई ऑपरेशन में खत्म भी कर दिया जाएगा। सोचिए, बड़ी खबर ये आ रही है कश्मीर से। दिलबाग सिंह का ये कहना है, उन्होंने कहा कि आतंकवाद सभी को प्रभावित करता है, समाज के लिए ये एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे पूरे समाज को खा जाता है। आतंकवाद आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा बिना डरे जिहाद की तरफ फैलता है, अपने आप को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं ये पूरे समाज को प्रभावित करती हैं और इसीलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सेना इस पे और इस सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि इस नई रणनीति का मुकाबला करने के लिए पुलिस बल पर्याप्त रूप से सुसज्जित है और अन्य सुरक्षा बल भी इसके साथ सभी का सहयोग प्रदान रहेगा। तो अब पुलिस की बात में अगर करूँ या सुरक्षा बलों की बात करूँ, CRPF की बात करूँ, सब अब एकजुट होकर हाइब्रिड आतंकवाद को दूर करने में लग चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि मई और जून के पहले दो हफ्तों में नागरिकों को जो ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मियों और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों सहित कई लोगों को टारगेट बनाकर हत्या की गई कश्मीर में, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। इसके बाद से सशस्त्र बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया, एक के बाद एक मुठभेड़ में कई आतंकवादियों को मार गिराया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि जब ये खबर सामने आई थी उसके बाद से सेना एक्शन में आ गई और जो पुलिसकर्मी उस टाइम पे मौजूद नहीं थे उसके बाद से भी बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों के जमीनी कार्यकर्ता होने के संदेह पर कई युवाओं से सुरक्षा बलों ने पूछताछ भी की, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया और गिरफ्तारी के बाद से ये हाइब्रिड आतंकवाद एक नया शब्द सुन रहे जिसका छत्ता पूरे कश्मीर में फैल गया था, इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। दिलबाग सिंह अनंतनाग जिले के एक समारोह में उन्होंने ये बात कही, उन्होंने महिला अधिकारियों के अधीन एक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जो दक्षिण कश्मीर रेंज के लिए होगा। उन्होंने पाकिस्तान पर कश्मीर में किशोरों को बहकाने का, युवाओं को बहकाने का और सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद रैंकों में शामिल होने के लिए जो जोड़ तोड़ करने की प्रक्रिया है उसका भी आरोप लगाया है कि किस तरह से युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियां यहाँ गंदा खेल खेल रही है, यहाँ गंदगी फैलाना चाहती है और युवाओं और कश्मीर के समाज को नुकसान पहुँचाना चाहती है। तो देखिए कि किस तरह से जो पाकिस्तान की मंशा है वो सामने आ गई है, किस तरह से पूरी तरह से तबाही मचाने का जो इनका प्लान है पूरे देश में, पूरे भारत में जिहाद फैलाने का, किस तरह से ये अपने मुल्क को यहाँ पर भी वो जो ये उनके मुल्क में चलते आ रहा है, जो चीज़ अफगानिस्तान में हम देखते आए हैं उस चीज़ को इस ये पाकिस्तान से अब भारत में भी लाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसा कहा जा रहा है जिसने कश्मीर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो 16 से 17 साल के बच्चे हैं। सोचिए आप, बालिग, एक किशोर अवस्था जिसमें अभी दिमाग में खेलने कूदने की उम्र है, जिन्हें धर्म संस्कृति या सामाजिक जो मापदंड है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन बच्चों को बरगलाया जाता है, उन बच्चों का जो दिशा है गलत दिशा में उन्हें ये चीज़ें बरगलाती हैं, उन्हें ये जिहाद सिखाया जाता है और सिर्फ उनके लिए यही चीज़ें ज़रूरी हैं कि किस तरह से आतंकवाद फैलाया जाए,
युवाओं के करियर को लेकर नष्ट करने का एक बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। उनके जीवन से मृत्यु तक की यात्रा शुरू जो भी होती है उसके बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचा जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि एक अच्छे छात्र को भी सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद रैंक में शामिल होने के लिए ये लोग किस तरह से बरगलाते। उन्होंने कहा कि हम इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स और सीमा पार हो रहे इस संचालकों के बारे में जानते हैं, ऐसे नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन को और मजबूत किया जाएगा और बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई ली जाएगी। बिल्कुल। फिर मैं एक सवाल जो मेरे मन में अक्सर उठता है कि आप एक तरफ से इस तरह से जिहाद फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, और दूसरी तरफ जब 370 हटता है और जब वहाँ पे यूनिवर्सिटीज खुलती हैं, जब कश्मीर के बच्चों को नौकरियाँ दी जाती हैं, तब उसमें भी आपको दिक्कत है। फिर आप स्टोन पेल्टिंग और सेनाओं पे पत्थरबाजी चलना सिखाते हैं, फिर आप अलग अलग जगहों से मुस्लिम बच्चों को इकट्ठा करके ले जाते हैं। जिस तरह से प्रयागराज से बड़ी तस्वीरें आपने देखी होंगी हाल ही में, जिस तरह से प्रयागराज से भी ये खुलासा किया गया कि किस तरह से नौजवानों को वो अपने साथ लेके जा रहे थे, जिस तरह से पुलिस में जब ये रिपोर्ट लिखाई गई और उसके बाद से नमाज पढ़ते हुए जो पूरा किस्सा सामने आया है, बच्चे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उसमें साफ साफ दिखा जा सकता है कि बच्चे ये नहीं जानते हैं कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। लेकिन आतंकवाद फैलाने का जहर ये जो जड़ है जो पूरे देश और पूरे विदेश को विनाश करने का काम है, आखिर चाहते क्या है? मेरे मन में तो यह सवाल उठते हैं कि आखिर ये चाहते क्या है? आखिरकार आतंकवाद फैलाकर इन्हें मिलेगा क्या? क्यों एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ अभी 16 या 17 साल है उसे बरगला कर पूरे देश में पूरे विदेश में ये हिंसा फैलाना चाहते हैं? आखिर ये हिंसा फैलाकर, ये आतंकवाद फैलाकर ये कहाँ राज करेंगे? ये क्या लेसन देना चाहते हैं? अपने देश की महिलाओं को नहीं छोड़ते हैं, अपने देश के बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, इनमें थोड़ी सी भी रहम नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि एक बच्चा जो जिहाद के नाम पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने आप को बम से उड़ाने के लिए तैयार है, आखिर ये हिम्मत ये लाते कहाँ से है? अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से भारतीय सेना ने कड़ा एक्शन लिया है हाइब्रिड आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरह से चुन चुन कर अब इनको उड़ाया जा रहा है, ठोका जा रहा है, क्या आपको भी लगता है ये एक्शन जो लिया गया है पुलिस के द्वारा या सुरक्षा बलों के द्वारा और आगे भी इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, अगर आपको भी लगता है कि ये बिल्कुल सही है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको भी लगता है कि इस तरह के आतंकवाद पे कड़ा एक्शन लिया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टोल पेंटिंग की खबरें हमारे सामने आई हैं, अभी हाल ही में प्रयाग से खबरें आई हैं, औरंगाबाद से खबरें आई हैं। आखिरकार मंशा क्या है, चाहते क्या है, ये सवाल खड़े होते हैं और इसके जवाब पता नहीं हमें कब तक ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा और देखते रहिएगा ओनली न्यूज़ नेशन।